Oh my god. This is first time caught on camera. Oh my god, he's crawling. Sa re ga ma na 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 na. Hello my beautiful angels, welcome to a new vlog. Aaj maine ब्लॉग चालू किया है काफ़ी देर, मतलब दोपहर हो गया है। यूजुअली मैं इसी टाइम चालू करती हूँ। क्या है ना, सुबह भागम भागे ये वो बैक टू बैक चलता है। फिर इस टाइम पे जहाँ पे मतलब ऋषि को नहला दिया है, वो सो रहा है, फिर मैंने नहा लिया है और लंच करने जाऊँगी, उससे पहले लगता है कि हाँ अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है अभी ब्लॉग चालू करते, तो अभी मैंने इसलिए चालू किया है। और या अभी कुछ दिन काफ़ी बिजी जा रहा है इसलिए उतना आप डेली व्लॉग नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाना है तो ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, बस 7-8 दिन बाकी है। तो पैकिंग वैकिंग सब कुछ करना है। मैंने थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो 20-30% पैकिंग मैंने कर लिया है, क्योंकि ऋषि का काफ़ी सारा चीज़ें मैंने ले लिया है लेकिन हम दोनों का बाकी है, ऋषि का और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। और मुझे ना पैकिंग करने के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है यार आई शुड, मतलब ऐसा ना हो कि ये छूट गया वो छूट गया। हमारे लिए कुछ छूट भी गया तो भी ठीक है, ऋषि के लिए ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमने छोड़ के आ गए, हमें चाहिए होगा ये सब, मतलब बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो या इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के एक एक करके मैं पैक कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे चाहिए होगा क्या। ऋषि उठ गया, रुको उसको लेके आती हूँ। क्या हो गया मेरे बेटू को, मेरा बेटू उठ गया, मेरा बेटू उठ गया, मेरा बेटू उठ गया, मेरा बेटू उठ गया। चलो अच्छा सबको हाय कर दो। हेलो सारे आंटी जो है सबको हाय कर दो। हेलो आंटीज, हाय करो। हेलो। नो ऐसा नहीं करते बेटा, हाय कर। शुरू हो गया बेबी आपका चश्मा खींचना, शुरू। देखो। सक्सेसफुली ऑलरेडी 5 महीना हुआ कि नहीं बेटा आपका चश्मा खींचने लगा है ना, देखो उसको वही चाहिए, उसको चश्मा ही चाहिए। क्या करोगे बताओ अभी, ये आदमी लो दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है, ये इनके चश्मे पे कोई छू नहीं सकता। और अगर अपने गलती से भी इस चश्मे के अंदर, ये ग्लास के अंदर अगर अपने टच कर दिया तो आपका जान बिल्कुल दाव पे है। देखो हालत। देखते देखते शाम का टाइम भी हो चुका है और अभी आज शाम के जो स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स, टिफिन में क्या है पता है, दिखाती हूँ, ये देखो नूडल्स। तो आज मैंने क्या किया है ना, जो मौसी है सुबह आती है जो कुक करने, तो मौसी से ना आज सुबह मैंने चाउमीन बनाया, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाउमीन बनवाया, तो वो बहुत ज़्यादा था, मतलब जब बनाती है तो काफ़ी सारा क्वांटिटी में बनाती है तो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है। और वो ना वेज चाउ जैसा, वेज नूडल्स जैसा बनाया था, तो उसमें अंडा वंडा नहीं दिया था, मैंने कहा था नहीं देने के लिए क्योंकि आज फ्राइडे है, दिव्यांदु नहीं खाता है, मैं कभी कभार खा लेती हूँ। तो अभी शाम को मुझे बहुत मन हो रहा था कि यार उसमें ना थोड़ा अंडा फ्राई करके डालूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने अंडे के साथ मैं खा रही हूँ और दिव्यांदु के लिए अंडा के बिना, मतलब वेज नूडल्स। तो दिस इज माय नूडल्स एंड ऐ दिस इज ऋषि, ये अभी फिर से सो के उठा है, 6 बजे का 5 to 6 का जो नैप होता है ना वो वाला नैप लेके उठा है, तो इसलिए ऐसे चुपचाप है। क्या हुआ बिच्चू, क्या हुआ,
अब ना इसको पकड़ना बहुत अच्छे से आ गया। आप देख सकते हो कैसे पकड़ रहा है, बिल्कुल थंब से पकड़ता है सारी चीज़ें, और पकड़ के खींचता है और अपने मुंह के तरफ लेके जाता है हर चीज़। आई थिंक टीदिंग टीदिंग का जो टाइम है ना वो आ गया है अभी। है टीदिंग का टाइम आ गया आपका? है कैसा लगा बेबी? नूडल्स पूरा खत्म कर दिया। हाँ अभी बेबी बहुत परेशान है। हाँ परेशान है इसलिए क्योंकि इनका फोन खराब हो गया। अभी क्या करना है बेबी, वो ठीक कराने में कितना लगेगा? 17,000 17,000। तो इससे बेहतर अब नया फोन ही ले लो, है ना? वो नए में बहुत ज्यादा लगेगा, तो देखते हैं अभी यार, अभी जाके मैं देखता हूँ हाँ, पहले कितने में इसलिए दो लिया। रात सोया नहीं है ये आदमी। देख लो ये आदमी का चेहरा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। दो रात से सोया नहीं है। वो क्या और करें, ये सोच सोच के परेशान है, मतलब क्या हाँ, लेना है, नया क्या ले या रिप्लेस कराए, ये एक करें। बार बोलता है मोटरोला, एक बार बोलता है सैमसंग, एक बार बोलता है आईफोन, एक बार बोलता है पोको, वीवो, ओप्पो, सब ऑप्शन कुछ। बहुत है, जाओ फिर देख के आओ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गया है इवनिंग टाइम, 7 o'clock हो गया है। शाम का जो पूजा वूजा था वो सब मैंने कर लिया है, करके अभी मैं आ गई हूँ ऋषि के पास। अभी ऋषि का ना नाइट टाइम रूटीन जो है वो चालू हो जाएगा, तो आज मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ऋषि का नाइट टाइम रूटीन क्या है। अभी मतलब ये जो नाइट टाइम रूटीन है ये मैंने थोड़ा सा, जो अभी जो रूटीन है वो कंटिन्यूअस 2 महीने से सेम है। और उससे पहले जो बेसिक रूटीन था कि 8:30 को मैं रूम पे लेके जाती थी, वो मैं इसका जब 1.5-2 महीने से ही मैंने चालू कर दिया था, ऑलमोस्ट 1.5 महीने से। तो इसीलिए इसका नाइट टाइम रूटीन बहुत सेट है और इसके ऊपर जम भी गया है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि नाइट टाइम में मैं क्या क्या करती हूँ। लाइक अभी 7 o'clock हो गया है, अभी ऋषि का थोड़ा सा खेलने का टाइम। तो जनरली दोपहर का जो होता है ना, 2:30 से लेके 4 o'clock तक वो सोता है। उसके बाद 4 to 5, 5:30 अराउंड वो खेलता है। उसके बाद फिर से 1 घंटे का नैप लेता है, तो अराउंड 6, 6:30 वो ऋषि उठ जाता है। उसके बाद से लेके 8:30 तक मैं उसको खिलाती हूँ, मतलब खेलता है, थोड़ा सा फीड लेता है, फिर खेलता है, और कुछ इसका कुछ एक्सरसाइज वगैरह ये सब कराती हूँ। उसके बाद मैं सुलाती हूँ, उसका भी बहुत सारा प्रोसीजर है। तो आज मेरे साथ बने रहो, मैं आपको दिखाती हूँ कि ऋषि 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 का नाइट टाइम रिचुअल क्या है। मुझू मुझू सारे गामा Okay, now I'll give him some tummy time. You go on tummy time and play with the baby. Okay? Okay, beta. अभी थोड़ा उल्टा हो जाओ, उल्टा हो जाओ, उल्टा हो जाओ। हाँ, very good. My God, he's crawling. He's crawling. Can you see? Beta, you're crawling through head.
Wow. क्रॉलिंग अपने आप। इससे पहले ना मैं इधर पुश करती थी, आज मैं पुश नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अभी 7:30 हो गया है। अभी इसको मुझे मालिश देना है, मसाज। तो मैं दो पैर को ना वो कोकोनट ऑयल का मालिश देती हूँ, और रात को मैं ये वाला काम आयुर्वेद का आमंड ऑयल का मालिश देती हूँ। और ये बहुत महंगा है, तो ये पीछे जो बैठा है ना, ये जो आदमी, इन्होंने कहा है दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बॉटल। इतना हाँ, वो सच है, महंगा। वो बैद्यनाथ वाला बहुत सस्ता था हाँ, यार। रोगन हमने रोगन रोगन जोश है, मैं देख के हैरान, मैंने बोला नहीं इतना महंगा तो नहीं इतना मिलेगा। महंगा फॉर लॉन्ग टर्म वी कांट अफोर्ड। तो ये मैं बूंद बूंद करके यूज करती हूँ, इस पैर में एक बूंद, दूसरा पैर में दूसरा बूंद, तो चार बूंद में इसका पूरा बॉडी में कवर कर ले। 2 महीना हो गया है दूसरा बॉटल और दो अभी भी चार हाथ महीने चला हुआ है, पानी घोल के यूज करो चलेगा मुझे। ये हाँ मतलब है दूसरा बॉटल, लेकिन 675 रुपीज का है, 50 ml, 700 रुपये का ऑलमोस्ट। तो हाँ अभी मालिश करते हैं, ठीक है। नाइट टाइम में मैं उतना हेवी मालिश नहीं देती हूँ, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। नाइट टाइम में उतना हेवी मालिश नहीं देती हूँ, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा मसाज देती हूँ। मालिश मालिश আমার বেটু মালিশ করছে, মালিশ হবে। मैं पैर में अच्छे से मसाज देती हूँ, फिर ऊपर मैं उतना अच्छे से नहीं देती हूँ। मालिश मालिश एक्सरसाइज नहीं करनी। हाँ एक्सरसाइज नहीं करना है। हाँ इन आउट, इन आउट, अप डाउन, अप डाउन। अभी ऋषि हो गया है टायर्ड, क्योंकि काफी टाइम हो गया है टमी टाइम पे। अभी मैं उसको स्पंज बाथ दिलाऊंगी, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मग है ना, इसमें ल्यूक वार्म वाटर है, और ये जो है ना बैम्बू क्लोथ है, बहुत सॉफ्ट होता है। इससे मैं इसका जो स्पंज बाथ है वो देती हूँ। इसके साथ साथ बाथ लेने के बाद वो क्या पहनेगा, ये सब मैं इधर ला के रखा है। तो देखो कैसा कर रहा है। क्या हुआ क्या हुआ स्पंजी स्पंजी? स्पंजी बैठ होगा, स्पंजी स्पंजी। अच्छा अच्छा और ये देखो ऋषि है बिल्कुल रेडी। मैंने हेयर कॉम्ब नहीं किया है, कपड़े मैंने ये वाला पहना दिया है, डाइपर ऑन। नाउ ही इज रेडी टू गो टू बेडरूम। अब हम बेडरूम पे चलेंगे, चलो। ओके, सो मैं आपको सेटअप दिखा देती हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये जो बेड का जो सपोर्ट है, हेडरेस्ट है, यहाँ पे मैं ऐसे पिलो टिका देती हूँ।
इधर नीचे एक और है, ये एक और है, ये एक और है, इधर पिलो टिका देती हूँ। ये है ऋषि का बेड, ये थोड़ा अभी ठीक करना है मुझे। ऋषि का बेड है और वो उसका मॉस्किटो नेट है, ये उसका साइड पिलो है, ये मेरा बुक है जब मैं रात को सोती हूँ ये वाला बुक पहनती हूँ, और दिस इज़ फिटिंग पिलो। और इधर मैं ऋषि को बिठाऊँगी, और ये जो बुक है ना शिवा, मैंने आप लोगों को दिखाया था सारे भगवान का एक एक करके स्टोरीज़ है, तो उसका बुक है, तो ये मैं पढ़ती हूँ, वो देखता है पिक्चर्स सुन के, उसके बाद मैं फीडिंग चालू करती हूँ। क्या हो गया आज, भूख लगी है ज़्यादा? नॉट इन अ मूड। ओके, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, इजी इजी इजी। Lord Shiva was worried when he saw Nandi return alone, weeping. His heart filled with grief when Nandi told him about Sati's demise. Soon the grief gave away to rage. Lord Shiva assumed his darkest and most savage form, Veerabhadra. Okay, आज थोड़ा अभी cranky हो गया है, इसको ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि 6 o'clock का उठा हुआ है। ओके, अभी रात का 10 बज गया है, ऋषि अभी सो गया है, तो मैंने देखा लास्ट क्लिपिंग में जो था मेरा सर इधर से कट गया था, तो मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि एक्चुअली वो आज थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था लास्ट में, क्योंकि वो 6 o'clock उठा हुआ था और वो 2 घंटे से ज़्यादा जगा नहीं जग पाता है, तो 6 o'clock टू 8 o'clock के अंदर मुझे उसको सुलाना ही था, तो आज 8 o'clock ऑलरेडी हो गया था नहलाते टाइम, तो इसलिए लास्ट में उसको और पेशेंस नहीं हो रहा था, उसको भूख भी लग जाता है, नींद भी आ जाता है, तो इसलिए लास्ट में थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, अदरवाइज़ मैं टाइमली करती हूँ। और हाँ, फिर 2 घंटे के बाद वो मैक्सिमम 2 hours जगता है, उसके बाद वो सो जाता है, वो दिन में भी होता है और रात को तो है ही, तो अगर वो 5:30 उठ गया तो मैं 7:30 को सुला देती हूँ, ऐसा करती हूँ। बट रूल जो है, रिचुअल जो है, सेम ही रहता है, मालिश देती हूँ, उसके बाद उसको स्पंज बाथ देती हूँ, फिर थोड़ा सा स्टोरी टाइम देती हूँ, अगर आज जैसे क्रैंकी हो गया ऐसा हुआ तो स्टोरी टाइम मैं कट कर देती हूँ, उसके बाद घर का जो रूम का जो लाइट है पूरा मैं ऑफ कर देती हूँ, और एक ग्रीन कलर का नाइट लैम्प है वो ऑन रहता है, और पूरा मैं घर मतलब रूम पूरा शांत कर देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मैं ईयरबड्स लगा देती हूँ, तो जब तक वो फीड करता है या सोता है मैं कुछ और पॉडकास्ट सुनती हूँ, और नहीं तो कुछ और करती हूँ, तो या ऐसे करके मैं सुला देती हूँ। वो पहले जो पहला जो सोना होता है वो 10-15 मिनट में वो सो जाता है, फिर मैं बाहर आके थोड़ा सा राइस वाइस चढ़ा देती हूँ, खाना गर्म करती हूँ, तब तक फिर से वो आधे घंटे के अंदर फिर से एक बार उठता है, फिर से फीड लेता है, फिर से मैं फीड करा के सुला देती हूँ, फिर से उठेगा, मतलब आधा घंटा 20 मिनट ऐसे ऐसे वो उठता रहता है। और अभी जैसे 9:30 को उठा था, फिर वो कंटिन्यूस 15 मिनट्स अराउंड 10-15 मिनट कुछ कंटिन्यूस उसने फीड लिया है, अभी जाके वो लंबा सोएगा, तो मतलब रात को ज़्यादा देर तक सोने के लिए उसको ज़्यादा फीड लेना पड़ता है, ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है, नहीं तो इतना सा स्टॉमक रहता है और ब्रेस्ट फीड ही कर रहा है, तो ज़्यादा देर तक उसका पेट जो है भरा हुआ नहीं रहता है, ज़्यादा भूख लग जाता है, तो या यही है शेड्यूल। और अभी जो सोया है ना वो रात के 1 या 2 बजे के अराउंड एक बार उठेगा, फिर 5 बजे के अराउंड उठेगा, फिर 7-9 ऐसे 2 घंटे में उठेगा, तो या अभी जो है 3-4 घंटा वो आराम से सोएगा, और जो 2 बजे का अराउंड उठता है ना वो बस 5-7 मिनट का फीड लेके फिर से वो सो जाता है, सेम जब 5 बजे उठता है तब भी 5-7 मिनट का फीड लेके वो फिर से सो जाता है, तो ये जो है ना वो 3rd month से वो कंटिन्यू कर रहा है, एंड इसलिए मुझे भी थोड़ा नींद मिल जाता है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस मुझे 5-6 घंटे की नींद तो अभी रहने दो, नहीं होता है, लेकिन 2-3 घंटा करके मुझे एटलीस्ट 2 घंटा का नींद तो मिल जाता है, उसके बाद नींद में मैं दूध पिला देती हूँ, फिर से मैं सो जाती हूँ, ऐसा करके मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो या यही है ऋषि का नाइट टाइम जर्नी।
अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने और भी क्या क्या किया है, दिन में भी रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रात को वो अच्छे से सोए, तो या मैंने ऐसे कुछ चीज़ें मैंने किया है ताकि वो रात को अच्छे से सोए, ताकि मुझे भी रात को इतनी परेशानी ना हो, मैं भी अच्छे से सो सकती हूँ, मुझे भी प्रॉपर रेस्ट मिले. सो इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आई डिड सो दैट माय बेबी इज स्लीपिंग थ्रू आउट नाइट, 8:30 से ही मुझे थोड़ा सा यू नो स्पेशली 10 बजे के बाद मैं पूरा फ्री हो जाती हूँ. सो या उसके बाद कभी कभी हम लोग चिल करते हैं, टीवी देखते हैं, या तो फिर मैं सो जाती हूँ, या तो फिर एडिट करती हूँ, या तो फिर मेरा कुछ बुक्स है वो मैं एडिट करती हूँ, यही करती हूँ. एंड या सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.